जब बेन स्टोक्स का हेजलवुड ने तोड़ा हेलमेट, उसके बाद स्टोक्स ने जीत से लिया ऑस्ट्रेलिया से बदला। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 359 रनों का लक्ष्य दिया था। बेन स्टोक्स ने 135 रनों की नाबाद पारी खेली और उसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बात करी जाए तो इंग्लैंड को जीत के लिए 203 रन की सबसे बड़ी दरकरार थी। हालांकि खेल शुरू हुआ तो सही, लेकिन रूट दो रन जोड़कर ही आउट हो गए। इसके बाद सारी जिम्मेदारी बेन स्टोक्स ने अपने कंधों पर ली थी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी इस बात को जानते थे अगर स्टोक्स आउट नहीं हुए तो मैच उनके पक्ष में नहीं आएगा। इसी बीच जोस हेजलवुड की एक शॉर्ट पिच गेंद जो सीधे आकर बेन स्टोक्स के हेलमेट पर लगी और स्टोक्स का हेलमेट का नेक गार्ड दो हिस्सों में टूट गया और ऐसे में बेन स्टोक्स को न केवल अपना हेलमेट बदलना पड़ा बल्कि फिजियो की मदद भी लेनी पड़ी। एक समय तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज ने कहीं बेन स्टोक्स को घायल तो नहीं कर दिया, लेकिन एक छोर से विकेट गिरते रहे, दूसरे छोर पर स्टोक्स डट कर खड़े रहे और उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत बेहद ही धीमे की, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और अपने जो हेलमेट की चोट का बदला था वो धीरे धीरे अपनी जीत से लिया और 219 गेंदों का सामना करते हुए बेन स्टोक्स ने शानदार 135 रन बनाए जिसमें 11 चौकों के साथ उन्होंने 8 छक्के भी जड़े। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 359 रनों का लक्ष्य दिया था और बेन स्टोक्स ने 135 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार तोहफा दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।